Hello students, welcome back at English Station. If you want better communication and complete solution, stay connected with English Station. तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कुछ important and confusive terms which is relevant to noun. जो noun से relevant हैं and आज के लिए बहुत ही important lecture होने वाला है आपके पास, you know. तो आप इस lecture को please continuously देखें बिना scroll किए, बिना skip किए, because it will be really be beneficial for everyone. तो नाउन सेक्शन में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिटिव होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अक्सर कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं. जैसे एक टर्म है वैल्यू, जरा गौर से देखेंगे. वैल्यू का मतलब होता है कीमत. वैसे आप जब कभी भी मार्केट जाते हो तो जो भी बोलने का मन करता है हम वो बोल देते हैं. जैसे किसी चीज़ का प्राइस पूछना हो तो हम कीमत पूछना हो तो हम प्राइस पूछ देते हैं, कॉस्ट पूछ देते हैं, या हम और भी अजीब अजीब तरीके से पूछते हैं, भैया ये किस दर से दिए, भैया कैसे दिए, भैया किस रेंज का है ये, क्या दर का है ये, नहीं इसकी कीमत क्या है, हिंदी में तो हम बोल ही देते हैं. बट अंग्रेज़ी में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं चीज़ों की कीमत पूछने का. तो वैल्यू जो है वो दो तरीके से आप पता कर सकते हो, या तो आप उसके कॉस्ट को पूछ सकते हो या उसके आप प्राइस को पूछ सकते हो. पॉइंट बी रिलेटेड, वंस अगेन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी चीज़ की कीमत जानना चाहते हो तो दो ही तरीके आपके पास, या तो आप उसके कॉस्ट बोलिए या तो आप उसको प्राइस बोलिए. बट ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कॉस्ट बोलना है और कहाँ प्राइस बोलना है. तो आज के बाद जब कभी भी आपको शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, किसी से कुछ खरीदवाने जाते हैं, तो उस चीज़ उस वस्तु को जो आपको पसंद है उसका कीमत पूछना हो तो प्लीज़ आप उसका प्राइस पूछो. क्योंकि परचेजिंग वैल्यू के लिए ध्यान रखना है कि परचेजिंग वैल्यू के लिए हम परचेजिंग वैल्यू के लिए हम कॉस्ट पूछते हैं, परचेजिंग वैल्यू के लिए हम कॉस्ट पूछते हैं, और सेलिंग वैल्यू के लिए हम प्राइस बोलते हैं. सेलिंग वैल्यू, इसलिए कपड़े में या किसी भी चीज़ में आप देखते होंगे वहाँ प्राइस टैग होता है ना कि कॉस्ट टैग होता है, क्योंकि वो बेचने वाला प्राइस होता है ना, इसलिए प्राइस होता है वहाँ, कॉस्ट टैग नहीं होता. हाँ, आपको पूछना है कि भैया इसका कीमत कितना है तो आप उसे कॉस्ट बोल करके प्लीज़ बोलिए, प्राइस मत बोलिए यार. नहीं तो ध्यान रखना है, यदि आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट, यानी शर्ट की कॉस्ट कितनी है. हाँ, सामने वाला यदि आपको बताएगा तो बोलेगा द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज 500 रुपीज 500. तो इस तरह से सामने वाले के साथ आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं वाइल परचेजिंग और सेलिंग समथिंग. किसी चीज को बेचना हो या खरीदना हो तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, वो भी अलग अलग. तो आप ध्यान रखें, सावधान रहें. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आस्किंग द वैल्यू ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग. इफ यू वांट टू परचेज दैट थिंग यू हैव टू यूज कॉस्ट, एंड यू वांट टू सेल दैट सेम थिंग यू नो यू हैव टू यूज प्राइस. सो आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखना है. तो चलते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं आपको लेकर के, एंड कुछ और भी कन्फ्यूजिटी टर्म्स हम यूज करेंगे. वेल, जरा गौर से देखेंगे. जीनियस का जब हम प्लूरल बनाते हैं, जीनियस का मतलब एक महान व्यक्ति होता है. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो जरा गौर से देखते रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा 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 इंपॉर्टेंट है. जीनियस का मतलब होता है महान व्यक्ति, कोई अच्छा काम करता है किसी फील्ड में, कोई महारथी हासिल किया हुआ है, तो आप उसे क्या बोलते हो कि आप तो जीनियस हो यार, महान हो, कितना ब्रिलियंट हो. तो जीनियस एक व्यक्ति हो तो जीनियस, बट इसका यदि हमें प्लूरल बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम प्लूरल बनाते हैं. जैसे रेडियस का रेडी बनाते हैं, फंगस का फंगी बनाते हैं, तो जीनियस को जेनी कर देते हैं, यूएस को हटाकर आई कर देते हैं. ये सिंगुलर टू प्लूरल रूल्स में मैं पढ़ाता हूँ, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना या पढ़ा होगा. तो आपने क्या किया, यूएस को हटा करके आई कर दिया. जैसे रेडियस को रेडी करते हैं, फंगस को फंगी करते हैं, लोकस को लोकी करते हैं. नहीं, इस तरह से आपने जीनियस को जेनी कर दिया. बट ध्यान रखना है, यदि इसका हमें प्लूरल बनाना है और बोलना है कि सचिन एंड धोनी आर जेनी ऑफ इंडिया,
भारत के महान व्यक्ति हैं, जीनी ऑफ इंडिया। नहीं तो आप जरा गौर से देखो मैंने क्या लिखा। नहीं, सचिन एंड धोनी, दो बंदों के बारे में बात हो रही है। एग्जैक्टली तो आपने जीनियस का प्लूरल फॉर्म यूज किया, जेनी। क्या यूज किया? जेनी। बट इसका हिंदी मीनिंग पता क्या हो गया आपका? जरा गौर से देखे कितनी बड़ी कंफ्यूजन है। सचिन और धोनी भारत के भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत हैं। ओ माय गॉड, कितना गंदा हो गया ना सेंटेंस, बिल्कुल अजीब हो गया। यानी कि जेनी, जीनियस का प्लूरल आपने जैसे ही यूएस को रिप्लेस करके आई से किया तो वो अपना मीनिंग चेंज कर लेता है, डिफरेंट बना लेता है, और जेनी का हिंदी मीनिंग जो होता है वो भूत प्रेत हो जाता है। तो इस मायने में आपका ये सेंटेंस गलत हो गया। तो आज आप सीखेंगे जीनियस का एक नया प्लूरल बनाना। तो जीनियस को आप प्लूरल बना सकते हैं बेसिक रूल से ईएस लगा करके, जीनियसेस। क्या बना सकते हैं? जीनियसेस। और अब इसे आप महान व्यक्ति के सेंस में यूज कर सकते हैं, महान व्यक्ति के सेंस में प्लूरल फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जेनी का मतलब क्या हो जाता है? भूत प्रेत। सो प्लीज इसको आप पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं करें, और यहां पे जीनियस की, जेनी की जगह आप क्या यूज करें? जीनियसेज यूज करें। क्या यूज करें? जीनियसेज यूज करें, तब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नहीं, क्योंकि महान व्यक्ति के सेंस में प्लूरल आप चाहिए तो जीनियसेज यूज करना है, जेनी आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। सो आई होप कि आपको ये दो टर्म्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगे होंगे। ऐसे और भी कंफ्यूजिटिव एंड बेहतरीन टर्म्स के लिए, अलग अलग सेक्शन से कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। एंड कुछ और भी जानना है, सीखना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दैट काइंड ऑफ वीडियोज एज सून एज इट इज पॉसिबल। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।